हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुणाल मदान। कुणाल टेक्निकल सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे पास जो है ये एक मदरबोर्ड आया है जो कि नो डिस्प्ले कंडीशन में है। कस्टमर का कहना है कि इसके अंदर जो है मदरबोर्ड में डिस्प्ले नहीं आ रही है, तो आज जो है हम इसका सॉल्यूशन देने वाले हैं आपको। तो सबसे पहले जो है हम इसमें जो है SMPS लगा के आपको चेक करवाते हैं। सबसे पहले जो है आप ये बड़ा वाला कनेक्टर इसके अंदर लगाइए और इसके बाद जो है 4 पिन वाला कनेक्टर जो है इसके अंदर आप लगा दीजिए। लगाने के बाद अब इसमें हम जो है पावर लगाएंगे। पावर लगाने के बाद आप जो है इसको बड़े से स्क्रू ड्राइवर की मदद से ऑन करके देखेंगे फ्रंट पैनल के ऊपर लगाकर। तो आप देख सकते हैं अभी जो है ये बोर्ड बिल्कुल डेड शो कर रहा है। डायग्नोस्टिक कार्ड पे बिल्कुल 0-0 शो कर रहा है, तो ये बिल्कुल इस समय डेड कंडीशन के अंदर है। और स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं बिल्कुल भी इसमें जो है डिस्प्ले नहीं आ रही है और डायग्नोस्टिक कार्ड 0-0 शो कर रहा है। और ये जो है अभी चलते चलते अपना बंद भी हो जाएगा, इसमें ये भी दिक्कत आ रही है। देख सकते हैं पंखा बिल्कुल जो है चलना बंद हो गया है। अब जो है हम इसकी पावर की वायर निकाल देते हैं और इसका जो CPU फैन है उसको हम खोलते हैं। सबसे पहले एक एक करके लॉक उठाना है ऊपर की तरफ और पंखे के ऊपर की तरफ करके पंखा बहुत ही आसानी के साथ आपका जो है ओपन हो जाएगा। पंखा बिल्कुल अलग कर दिया है हमने। उसके बाद जो है ये हम SCPS का कनेक्टर हमने निकाल दिया है। तो बोर्ड देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा डस्ट हो रही है इसके अंदर इस समय पे। सबसे पहले हम प्रोसेसर जो है हम निकाल लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा मुझे जो है डस्ट इस बोर्ड पे दिख रही है, काफ़ी ज़्यादा मिट्टी हो रखी है। तो हम जो है इस बोर्ड को साफ़ करेंगे। इसके लिए जो है मैं IP का इस्तेमाल करूँगा, जिसे नॉर्मल भाषा में थिनर भी कहा जाता है। तो IP को जो है हम इस बोर्ड पे बोर्ड को साफ करने के लिए यूज़ करेंगे। ये हमारी IP है। इसको जो है एक टूथब्रश की मदद से हम जो है इसको लेंगे और लेने के बाद जो है हम इसको अच्छी तरह पूरे बोर्ड पे मारेंगे ताकि जितनी भी डस्ट है वो बोर्ड की जो है निकल जाए। बहुत हल्के हल्के हाथों से पूरे बोर्ड पे इसको जो है हम थिनर को लगाएंगे, जिससे जो है पूरे जो बोर्ड की जो डस्ट है जो अभी तक कस्टमर यूज़ कर रहे थे इसको, तो वो जो है इसके अंदर मिट्टी हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से जो है सबसे पहले हम पूरे बोर्ड को साफ करेंगे रिपेयर करने से पहले। अच्छे से जो है पूरे पावर सेक्शन को पूरे बोर्ड को अच्छे से साफ करना है ताकि जो कंपोनेंट की एक एक पिन है वो बिल्कुल चमक जाए। तो देख सकते हैं काफी अच्छे तरीके से जो है हमारा बोर्ड अब जो है चमक गया है। अब जो है हम इसके पावर सेक्शन को चेक करेंगे। पावर सेक्शन को जो है मल्टीमीटर की मदद से हम जो है चेक करेंगे। उससे पहले जो है हल्का हल्का सा हम जो है जो हमने IP से भी साफ किया है उसको जो है हॉट एयर गन मशीन की से मदद से हम जो है इसको अच्छे से साफ करेंगे, मतलब कि सुखाएंगे, ड्राई करेंगे थोड़ा अच्छे से। हल्के हल्के हाथों से जो है हम ड्राई कर चुके हैं। अब जो है हम इसको जो है मल्टीमीटर की सहायता से इसका जो पावर सेक्शन है उसको चेक करेंगे कि पावर सेक्शन में कोई MOSFET वगैरह तो इसका शॉर्ट नहीं है। तो मल्टीमीटर जो है हम ले आए हैं। इस मल्टीमीटर को जो आपको है बीप रेंज पे सेट करना है। बीप रेंज पे सेट करने के बाद आपको जो है एक एक करके इसके MOSFET और कंपोनेंट पावर सेक्शन के चेक करने होंगे।
थोड़ा सा मल्टीमीटर थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा आगे कर देता हूँ। अब जो है हमने ये मॉस्फेट को चेक किया तो इस मॉस्फेट में शॉर्टिंग नहीं है, इस वाले मॉस्फेट में भी शॉर्टिंग नहीं है, इस वाले मॉस्फेट में भी शॉर्टिंग नहीं है, इस वाले में शॉर्टिंग नहीं है, हमारे को नजर नहीं आ रही है। बाकी मैंने देखा दोस्तों, अभी जो है आगे जो सबसे पहले हमने मॉस्फेट चेक किया था वो हल्का सा जो है टूटा हुआ है, मेरे को अभी नजर आया वो अभी टूटा हुआ है। तो इसको जो है अभी हम जो है मॉस्फेट को बदल के देखेंगे, हल्का सा मॉस्फेट जो है ब्रेक है और पीछे से जो है बिल्कुल ब्लैक हुआ हुआ है। तो इस मॉस्फेट को जो है अभी आपको निकाल कर दिखाता हूं मैं कि किस तरीके से जो है इस मॉस्फेट को निकाला जाएगा। ये मॉस्फेट जो है हल्का हल्का ब्लैक हुआ हुआ है और हल्का हल्का टूटा हुआ है। तो दोस्तों इसको मैं जो है अभी हॉट एयर गन मशीन की मदद से निकालता हूँ। हॉट एयर गन की जो एयर है वो मैंने 4 रखी है और जो है इसकी जो हीट है वो मैंने रखी है 350। मॉस्फेट जो है हमारा निकल गया है। ये मॉस्फेट जो है M चैनल का मॉस्फेट है। तो हमारे पास जो है मेरे पास बॉक्स में दूसरा मॉस्फेट ये वाला सेम पड़ा हुआ है, तो मैं जो है सेम मॉस्फेट इसमें जो है लगा दूंगा। तो दूसरा मॉस्फेट मैंने निकाल लिया है, अब जो है मैं आपको दूसरा मॉस्फेट लगा कर दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो आप दूसरा मॉस्फेट लगा सकते हैं। काफ़ी ही सॉफ्ट हैंड के साथ आपको जो है इसको बोर्ड पे रखना है और ऊपर से जो है हल्की हल्की हीट इसके ऊपर डालनी है। अब इसमें जो है हम फ्लक्स लिक्विड डाल देंगे। फ्लक्स लिक्विड डालने से हमारा जो मॉस्फेट है वो जो है बहुत ही अच्छे से हमारे मदरबोर्ड पर बैठ जाएगा। तो ये हमारी जो है फ्लक्स आ गई है और फ्लक्स इस पे डाल के अच्छे से इसके ऊपर जो है हॉट गन को हमें थोड़ा सा इसको सुखाना है ताकि ये जो है बोर्ड में अच्छे से लग जाए मॉस्फेट। तो मॉस्फेट जो है हमारा लग चुका है, अब जो है हम इस मदरबोर्ड को चेक करके देखते हैं कि इसमें डिस्प्ले आई या नहीं आई। तो अब जो है इसमें हम 4 पिन का कनेक्टर लगाएंगे। और इसमें डायग्नोस्टिक कार्ड को लगाकर चेक करेंगे कि क्या रेटिंग इसके अंदर हमारे को रीडिंग हमारे को इसके अंदर दिया। सीपीयू जो है हीट ना हो, क्योंकि हीट होने की वजह से जो है सीपीयू में काफी सारी दिक्कतें आ जाती है। तो सबसे पहले जो है हम इसके ऊपर रख लेते हैं फैन को। अब जो है इसमें पावर लगाएंगे। पावर लगाने के बाद अब जो है हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको ऑन करके देखेंगे। ऑन करते ही देख सकते हैं दोस्तों इसकी जो रीडिंग है बिल्कुल चेंज हो चुकी है। पहले हमें जो है 00 शो कर रहा था और अभी जो है मैं आपको LED पे दिखाता हूँ VGA केबल लगाकर कि डिस्प्ले आई या नहीं आई। बाकी डायग्नोस्टिक कार्ड पे तो डिस्प्ले आ गई है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं डिस्प्ले आ चुकी है स्क्रीन पे। तो इस तरीके से जो है आप अपना जो है मदरबोर्ड रिपेयर कर सकते हैं।
इसको जो है एक बारी मैं रिस्टार्ट करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये रिस्टार्ट हो चुका है, और रिस्टार्ट होने के बाद देखिए दोस्तों जो स्क्रीन पे है डिस्प्ले आ चुकी है। अभी जो है हम इसको थोड़ी देर के लिए चलता छोड़ देंगे ताकि हमें पता लग जाए कि ये बंद हो रहा है नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें पहले बंद होने की दिक्कत भी आ रही थी। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो है प्रोसेसर पे सीपीयू पेस्ट लगा लेते हैं। सीपीयू पेस्ट लगाने से ये होगा पंखा लगाने से कि जब हम इसको चलाते हुए देखेंगे तो ये जो है बीच में बंद नहीं होगा। सीपीयू पेस्ट लगाने के बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं, सीपीयू जो है उससे गर्म नहीं होता है। तो सीपीयू पेस्ट मैंने जो है प्रोसेसर पर लगा रहा हूँ। तो सीपीयू पेस्ट लगाने के बाद हम जो है अच्छे से इसके ऊपर पंखा रख के इसको एक बारी दोबारा से ऑन करके देखेंगे कि इसमें अब जो है दोबारा तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो पंखा जो है मैंने इसके ऊपर रख दिया है, अब जो है पावर लगाकर एक बारी हम दोबारा से इसको ऑन करके देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है इसके अंदर। तो दोस्तों रीडिंग दोबारा से चल चुकी है और स्क्रीन पे देख सकते हैं इसमें डिस्प्ले आ रही है। तो इसमें जो है अभी थोड़ी देर हम इसको चला के देखेंगे एक आध मिनट कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है या ये बंद तो नहीं हो रहा है। तो दोस्तों और बाकी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पे जो है लैपटॉप कंप्यूटर और LCD LED रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियोस आती रहती है। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तो इससे क्या है मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा वीडियोस बनाने के लिए। तो आपने देखा मैंने आज कितनी आसान तरीके से आज आपको बताया कि आप जो है बहुत ही आसानी से अपने मदरबोर्ड नोट डिस्प्ले को कैसे रिपेयर कर सकते हैं। और ये जो है हमारा मदरबोर्ड अभी तक चल रहा है। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो,